नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आपका। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंद्र राइडर पे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोजेक्ट है, ये है अंडरग्लो लाइट्स, एलईडी लाइट्स हैं जो मैं गाड़ी के अंदर लगाने जा रहा हूं। काफ़ी अच्छी लगेंगी, रात को बहुत मस्त लगती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहले तो हमने ये टाट मैट बिछा लिया, ये हमने यहाँ पर, एंड इसके बाद हमें अंडरग्लो लाइट लगानी है कार के अंदर। तो वैसे तो ये डबल साइडेड टेप के साथ लग जाती हैं, ईजी है। यहाँ से टेप पील ऑफ कीजिए, यहाँ पर आप लगाइए, एंड ये वाला पासा जो है नीचे वाला, यहाँ से भी आप टेप उतार कर यहाँ पर लगा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो कार का नीचे वाला पार्ट होता है, ये देखिए, ये पार्ट जो होता है वो डस्ट के लिए एक्सपोज होता है। कहीं भी चीकड़ लग सकता है, कभी मिट्टी लग सकती है, कई बार कार अंडर से स्क्रैच होती है, तो ये है कि तार आपकी नीचे लमक जाएगी, एंड हो सकता है कि वो शॉर्ट सर्किट कर दे या नीचे उतर जाए, तार लमकनी शुरू हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने सोचा है कि इसको ना अंडर बॉडी के ना बिल्कुल छोटे छोटे जो बिट्स होते हैं ड्रिल के, वहाँ से शेक कर दिया जाए एंड वहाँ पर जिप टाई लगा दिया जाए, सो दैट डबल श्योर हो जाए कि वो लमके नहीं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। ये देखिए, ये मैंने ड्रिल बिट से शेक किए हैं दो। यहाँ पर मैं एंटी रस्ट मार दूंगा, यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दूंगा इसको। ये मैंने निशान लगाए हैं कितना ना कितना मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पर अपना रख के ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसकी इसकी विड्थ को माप लिया। इसकी विड्थ माप कर आप देख सकते हैं वो जो साइड पे दो शेक्स हैं, इसके इसके साथ मैं वो जिप टाई बांध दूंगा, एंड ये प्रॉपरली यहाँ पे डबल साइडेड टेप एंड जिप टाई के साथ फास्टन हो जाएगा। यहाँ पर लगाऊंगा, मतलब पूरी बॉडी के नीचे इस साइड पर लगेंगे, इस साइड पर लगेंगे तीन, एंड दैट साइड पर भी लगेंगे तीन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, ये आपको बेसिक नॉलेज मिल गई है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये काम। तो दोस्तों, तीन लाइट लगाने के लिए शेक मैंने कर दी है। अब मैं यहाँ इसके ऊपर एंटी रस्ट कोटिंग मारूंगा कि जो जगह एक्सपोज हो गई है उन पर रस्ट ना लगे। सो मेरे पास एंटी रस्ट कोटिंग है, वो मैंने पहले ली थी। आप यहाँ पर कोई गाड़ी से मैचिंग थोड़ा सा पेंट भी लगा सकते हैं, सो दैट टू इंश्योर कि ये प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ पर लगाया शेक, तो आप शेक मारने से पहले थोड़ा सा इसको किसी नेल के साथ, कील के साथ थोड़ा टैप कर लीजिए, बिकॉज आप अगर ड्रिल का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा आपको कील के साथ या किसी स्क्रू के साथ इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना पड़ता है, तभी ड्रिल इसके अंदर जाती है। यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, एंड ये शेक बनाया मैंने वायर को होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से मैं लाइट लगाऊंगा और यहाँ तक ये लाइट लगाऊंगा आगे जाकर, तो जो जो लाइट जो तार है वो लमक जाएगी। तो तार को भी अपने होल्ड करना है प्रॉपरली, कि सो दैट कि ये नो गाड़ी चलते हुए आपको गंदी गंदी तारें नजर आए, एंड इट आल्सो इंश्योर्स कि आपकी जो वायर है वो प्रॉपरली पकड़ी हुई रहे बॉडी के साथ, बिल्कुल टाइट रहे एंड टूटे ना, ढीली ना हो। दोस्तों, मेरे पास ये है रस्ट स्मैश, ये मारुति की तरफ से मैंने लिया था किसी टाइम पे, तकरीबन कब का है, 87 रुपीज़ के आसपास है ये वाला। तो आप ये स्प्रे कर सकते हो, और कोई भी अगर नहीं है तो ये कोई भी आप ले सकते हो, ये ऐसे वाला। अगर नहीं है तो गाड़ी के रंग का आप यहाँ पर थोड़ा सा पेंट कर सकते हो इन होल स्पेस, सो दैट इनको रस्ट ना लगे। तो दोस्तों, लाइट्स लग चुकी हैं, एक ये है, एक पीछे है वो देखिए, एंड एक आगे है। ठीक है जी, ये तीन लाइट्स मैंने लगा दी हैं, ये शेक किए हुए हैं मैंने, सो दैट यहाँ से वायर निकल सके आराम से, आपको मैंने वैसे से वायर लमके नहीं, एंड मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। तो इसकी अब हम वायरिंग करेंगे, एंड वायरिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगती है। मैं आपको एक साइड का बता रहा हूँ दोस्तों, दो साइड का बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी एंड आप बोर हो जाओगे, सो
सो आप दूसरी साइड भी सेम तरीके से लगा सकते हो। ये मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे, हाँ ये देखिए, पीछे वाला है, ये सेंटर वाला है, ये आगे वाला है, ठीक है। अब हम बाकी वायरिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये लगते हैं। तो दोस्तों लाइट नीचे लग चुकी है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लगी है। ये देखिए, ये अंदर ये एक लाइट लगी है यहाँ पे, उसकी प्रॉपर तार आ रही है यहाँ से, एंड इसको मैं कलर कर दूंगा तार को। एंड ये इसके साथ सेकंड वायर है, ये स्टील वायर है, यहाँ पर इसके अंदर मैंने लगा दी प्रॉपरली। पीछे डबल साइड टेप लगी है, सो दैट आप डबल श्योर हो जाएंगे नीचे गिरेगी नहीं, नहीं गिरती आप तस्वीर जैसे हिला कर दे सकते, नहीं जाएगी, क्योंकि ये इससे फास्टर एंड डबल साइड टेप है 3M की। आफ्टर दैट ये तार है, ये तार के ऊपर भी मैंने यहाँ पर जो आपको ड्रिल दिखाई थी, इसके बाद मैंने मैंने ये जो सरिये वाली वायर होती है इसे इसको अंदर टग इन कर दिया है। एंड आफ्टर दैट ये तीसरी वाली लगी हुई है, एक लाइन में तीन लगी हैं एंड दूसरी साइड भी सेम लगी हैं। अभी मैंने वायरिंग का काम करना है, आपको मैं वायरिंग का काम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं कार के बिल्कुल अंदर नीचे आया हुआ हूँ, इसलिए आपको ये नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए मुझे, ये देखिए अब मैं इतना आ गया हूँ, एंड कोई तार वगैरह कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा, जैसे गाड़ी पहले थी वैसे नज़र आ रही है। देखिए बिल्कुल अपनी तरफ से मैंने साफ काम किया, एंड बिल्कुल ठीक लग रहा है। एंड आपको मैं बाकी रिस्पॉन्स दिखाता हूँ क्या आता है अंदर, वायरिंग मैं कर कर आपको दिखाता हूँ कैसे लगती है ये जकर। एंड आप खुद कर सकते हैं, बाजार से करवा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी होगी। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते खुद, आप किसी लेबर वाले को या जो गाड़ी की करता है वायरिंग, जिसको जानकारी है अच्छी तरीके से जो कर सकता है, उससे करवा लीजिएगा। अंडरग्राउंड लाइट्स कहते हैं इसे, आप बाजार से परचेज कर सकते हैं। खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी मर्जी से काम हो सकेगा, सो बने रहिए। ये मैंने अंदर खोला हुआ है, ये मैं तार अंदर जो तार है ये बॉडी पैनल के जरिए लेके आया हूँ अंदर। यहाँ से मैंने इसको ऊपर से कवरिंग कर दिया, कवरिंग कर दी, ये यहाँ से निकाल सकते हो, नहीं तो आप जो गाड़ी का ये वाला आता है ये वाला, इसके लिए मुझे ये पैनल खोलना पड़ेगा। पैनल खोल कर मैं इसमें से वायर निकाल कर, जो हमारा डोर के कंट्रोल होते हैं वो इससे आते हैं, सो मैं इससे वायर निकाल कर वायर हमारी यहाँ तक आ जाएगी, तो इससे अंदर बाद में वायर यहाँ से अंदर से होते हुए वायर उस पैनल तक ले जाके जाऊँगा, ड्राइवर साइड वाले पैनल तक। वहाँ पर स्विच लगा कर मैं आपको जला कर दिखाता हूँ। स्विच लगाना आसान है, आपको पहले एक इग्निशन की वायर लेनी पड़ेगी। इग्निशन की वायर लेकर आपको नेगेटिव तो यहाँ से मिल जाएगा भैया, यहाँ पर ना बॉडी का होता है, यहाँ से, यहाँ पर नट लगा हुआ है ये वाला, यहाँ से आपको नेगेटिव मिल जाएगा। एंड जो पॉजिटिव है वो आपको फ्यूज बॉक्स से लेना पड़ेगा। फ्यूज बॉक्स लेकर अगर आप स्विच एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, ये देखिए ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जगा सकते हैं। नेगेटिव यहाँ से मिल गया, पॉजिटिव की तार इसके अंदर से होती हुई, यहाँ के अंदर से होती हुई अंदर तक पहुंच जाएगी एंड उस स्विच तक चली जाएगी, जो रेड स्विच है वहां तक चली जाएगी। वहां आपने फ्यूज बॉक्स से करंट लेकर तो वायर को लगा देना है स्विच के साथ, एंड आपके वहां से पॉजिटिव मिल जाएगा एंड सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी लाइट जग जाएगी। एंड दूसरी तरफ भी सेम चीज़ है, आप दो उधर की वायर एंड इधर की वायर, दोनों वायर को इकट्ठी कर कर पॉजिटिव को, एंड आप इसको जला सकते हैं, ठीक है। ये आपको आइडिया मिल गया, आप ऐसा कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, कार में जो अंडरग्लो लाइट है वो लग चुकी है, एंड ये देखिए, एक मिनट है, ये दिखाता हूँ मैं आपको फ्लैश ऑन करके। तो ये देखिए कार की फिटिंग प्रॉपरली आ गई है, सारा ठीक कर दिया है, जो जहाँ पे था वैसे ही सेट कर दिया है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गई है। इधर भी देखिए प्रॉपरली गाड़ी फिट हो गई है, ये हमारी स्माइली, यहाँ ये हमारा स्माइली यहाँ पे है, एंड यहाँ से भी प्रॉपरली देखिए पूरी इंस्टॉलेशन कर दी गई है। अब जो मेन मुद्दे की बात है, मैं दिखाता हूँ आपको लाइट्स।
तो दोस्तों ये बन रहा है गाड़ी का लुक, जब चलेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। ये फ्रंट में मेरी गाड़ी के ऊपर DR लगे हुए हैं, ऊपर स्ट्रिप एंड नीचे लगा हुआ है अंडर ग्लो। इधर की तरफ से देखिए एंड सामने की तरफ से देखिए एंड ये देखिए साइड की तरफ से, लग रही है ना मस्त। तो पहले मैं सारी लाइट्स बंद करके आपको सिर्फ अंडर ग्लो दिखाता हूँ। दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड फ्रंट में लाइट के ऊपर लगी हुई हैं DRLs, बिना लाइट खोलने के मैंने लगाई हुई हैं एंड ये फाइनल लुक है एंड काफी मस्त लगेगी गाड़ी जब चलती होगी। इधर से लुक देखिए एंड इधर से देखिए एंड सामने से ऐसी नजर आएगी।